जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगी और वे उनसे कुछ भी कह ना सके। भगवान की अर्घ पूजा और शिशुपाल का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर, जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि और इंद्रदि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं। और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको शिरोधार्य करते हैं। अनंत हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में है तो हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से ना तो आपका उल्लास होता है और ना तो हास ही, क्योंकि आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। किसी से पराजित ना होने वाले माधव, यह मैं हूँ और यह मेरा है तथा यह तू है और यह तेरा। इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में तो होंगे ही कहाँ से। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह लीला ही लीला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋतविज आचार्य आदि के रूप में वरण किया। उनके नाम ये हैं, श्री कृष्ण देवपायन, व्यास देव, वरदराज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, चयन, कण्व, मैत्रेय, कवस, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमूर्ति, जैमिनी, कृतु, पेल, पराशर, गर्ग, वैश्मपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वित्तिहोत्र, मधु, चंचंदा, वीरसेन और अकृतवर्ण। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामति विदुर आदि को भी बुलवाया। राजन राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके सब
वहां आए। इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्र अनुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सब के सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र दि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां, ये सभी उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसु यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसु यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान यज्ञों और यज्ञ कर्मी की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सद संपत्तियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब सभा सद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा अर्घ पूजा होनी चाहिए, जितनी मति उतने मत। इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय ना हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबके रूप में भी ये ही हैं। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है, समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सभासदों में कहाँ तक वर्णन करूँ, भगवान श्री कृष्ण वह एक रस आदित्य ब्रह्म हैं जिसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, बुद्धि आदि छह वह विकारों से रहित हैं। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है।